नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो अच्छे ही हो गए। अगर आप भी अपने फ़ोन से इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखना है ताकि आप ऐसे पोस्टर बना सको। दोस्तों इसका मैं आपको PLP फाइल दे दूँगा। PLP फाइल में पासवर्ड लगा होगा जो कि आपको वीडियो में कहीं एक जगह देखने को मिलेगा, तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से दिखेगा ताकि आपको PLP फाइल का पासवर्ड दोस्तों मिल जाए और आप अपने PLP फाइल को अनजिप कर सके। ठीक है दोस्तों, ऐसे पोस्टर बनाने के लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है पिक्सल लैब ऐप। पिक्सल लैब ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर भी आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समय न गवाते हुए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन द्वारा सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। दोस्तों अपने फ़ोन में पिक्सल लैब डाउनलोड करने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। न्यू में सबसे पहले बीच में दिखेगा न्यू टेक्स्ट। दोस्तों हमें यहाँ से न्यू टेक्स्ट को सबसे पहले डिलीट करना है। न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर डिलीट वाले बॉक्स पर टिक कर देंगे और एक बार ओके कर देंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो मैं PLP फाइल आपको दूंगा, अगर आपको डाउनलोड करने नहीं आता, ओपन करने नहीं आता, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, वहाँ से देख के सीख सकते हैं सब। चलिए मैं अपना PLP फाइल ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों PLP फाइल ओपन करने के राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके सबसे नीचे से तीसरे नंबर ओपन PLP फाइल पे जाएंगे। जैसे ओपन PLP फाइल पे जाएंगे तो यहाँ से आपके पिक्सल लैब में जो भी आप PLP फाइल अपना ऐड करते हैं सब यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जिसका पोस्टर आपको डिज़ाइन करना है उसको सेलेक्ट करके एक बार ओके कर लेंगे दोस्तों, एक बार बैक आ जाएंगे। कुछ इस तरह से देख सकते हैं हमारा PLP फाइल ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, आप एडिट करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अपना फ़ोटो लगा के दिखाता हूँ इसमें। सबसे पहले दोस्तों फ़ोटो लगाने के लिए जो फ़ोटो लगा हुआ है उसको आपको डिलीट करना होता है। उसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, उसके बाद लेफ्ट साइड में ऊपर देखिए डिलीट के बॉक्स पर टिक करके यहाँ से ओके कर देंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले देखिए लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और गैलरी में से आप अपना जो फोटो PNG लगाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। हमने अपना फ़ोटो PNG दोस्तों इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा हम क्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरह से और नीचे से और राइट कर देंगे सबसे नीचे। देखिए जैसे राइट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका फ़ोटो PNG आ जाएगा स्क्रीन पे। उसको मोटे वाले बिंदु पे टैप करके हम छोटा कर लेंगे इस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब फ़ोटो पे टैप करके इसको नीचे ले आएंगे ऐसे और यहाँ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से। और एडजस्ट करने के बाद नीचे देखिए बीच वाले ऑप्शन पर आएंगे कुछ इस तरह से और यहाँ से टू बैक कर देंगे। जैसे टू बैक करेंगे तो आपका फ़ोटो PNG पीछे चला जाएगा और देखने में कुछ अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों आप अपना नाम लिख लेंगे, जो नाम वाले ऑप्शन पे जाएंगे डबल टैप करेंगे और यहाँ से सबको बैक करके जो भी आपका नाम है वो इजीली यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से ओके कर दूँगा। ओके कर दूँ के बाद यहाँ का आपका नाम दोस्तों इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगर आप अपना सोशल मीडिया का कुछ भी यूज़र नेम देना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, तो बहुत ईजिली है, दे सकते हैं। इसके लिए देखिए यूजर नेम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, डबल टैप करेंगे दोस्तों नीचे और इसको सबको बैक कर देंगे। जो भी आपके सोशल मीडिया का यूजर नेम है यहाँ डाल के कुछ इस तरह यहाँ से ऊपर ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ आपका यूजर नेम शो करने लगेगा। सेम इसी तरह से अपना व्हाट्सअप नंबर भी आप दे सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर जाएंगे इस तरह से डबल टैप करके सबको बैक कर देंगे। जो भी आपका अपना व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे लिख दीजिएगा बहुत ईजिली, इसको ओके कर दीजिएगा। देख सकते हैं हमने अपना लिख लिया। ठीक है दोस्तों, इस पोस्टर को दोस्तों आपको अपने गैलरी में सेव करना है। ठीक है दोस्तों, गैलरी में सेव करने के लिए सबसे ऊपर देखिए प्लस के आइकन के राइट साइड में सेव वाला ऑप्शन है, इस पर टिक करेंगे और सबसे नीचे सेव एज इमेज करेंगे। जैसे सेव एज इमेज करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको वहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों बीच में दिखेगा आपको कस्टम, कस्टम पे क्लिक करके अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अल्ट्रा सेलेक्ट करने का मतलब होता है कि जो भी आपकी पोस्टर की क्वालिटी होगी अच्छे क्वालिटी में आपकी गैलरी में सेव होगा। उसके बाद दोस्तों नीचे सेव टू गैलरी करेंगे, जैसे सेव टू गैलरी करेंगे तो पोस्टर बन के आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।